अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो मैं टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं वो मलेशिया का वर्क परमिट है, और जो कि 10 दिन में आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, जो कि सारा टर्म कंडीशन बताएंगे आप देखिए। और हमारे वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है प्लीज़ आप लास्ट तक देखें, और अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो फुल वीडियो देखें। और आइए मैं आपको अभी आपको मैं मलेशिया का वर्क परमिट बता रहा हूँ, जो कि जनरल वर्कर काम है ना। आइए मैं बताता हूँ। सैयर इंटरनेशनल न्यू दिल्ली, ये मेरी ऑफिस का नाम है, सैयर इंटरनेशनल, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब हम बात करेंगे मलेशिया का वर्क परमिट। तो मलेशिया का वर्क परमिट 3 साल का है, इसमें जनरल वर्कर का काम है, जो कि सैलरी है 1100 रेंगिट है। एक रेंगिट तकरीबन 17.5-18 रुपये बनते हैं, यदि हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तकरीबन 19,000-20,000 के करीब में बनेगा। और उसके बाद इसका ड्यूटी आवर्स है 9 आवर्स है। इसके बाद इसमें किसी एक पर एडवांस नहीं देना है, नो एडवांस वीजा इन 10 डेज। आपको 1 रुपया नहीं देना है एडवांस। और यहाँ पर सबसे पहले आप बायोमेट्रिक देख लीजिए, दिल्ली में कहाँ होता है, चेन्नई में कहाँ होता है, बायोमेट्रिक और पासपोर्ट लेकर और फोटो लेकर ऑफिस पे सबमिट करते हैं। फिर आपको विद इन 10 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा मलेशिया का वर्क परमिट मिल जाएगा। जब आपको वीजा मिलेगा 10 दिन के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा मलेशिया का। इसमें ओवर टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ, कंपनी दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। खाना है जो, तो खाना आपको कंपनी की तरफ से राशन वगैरह सब मिलेगा, आपको बनाकर खाना है। कंपनी आपको गैस दे देगी, चूल्हा दे देगी, बर्तन वगैरह दे देगी, आप बनाकर खा सकते हैं। जो कि ये 20,000 का है, और इसमें जो भरना है वो 35,000 रुपये की ओर भरना है। 35,000 रुपये, ये आपको 35,000 रुपये एजेंट के फिर ना लगे, डायरेक्ट आप आए और हमारे ऑफिस से अप्लाई करें, आपको वीजा मिल जाएगा मलेशिया का वर्क परमिट 3 साल का। मलेशिया एक बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ पे इलीगल बहुत ज़्यादा काम होता है। विजिट वीजा पे ना जाए, आपको वर्क वीजा दिया जा रहा है, ये आपको जनरल वर्कर का काम है। तो हमारे पास टोटल वीजा जो है, हमारे पास 40 वीजा है। आप 40 वीजा में देख सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारे अप्लाई करने का डेट है आपको तकरीबन 15 अगस्त 17 अगस्त तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना नज़दीकी जगह दिल्ली में बायोमेट्रिक मलेशिया के काम होता है, फिंगर काम होता है, वहाँ कराएं और पासपोर्ट और फोटो लेकर डायरेक्ट ऑफिस पर आए सबमिट कर दें। आपको 10 दिन में जब वीजा मिल जाएगा चनक्यापुरी में, आप जाएं मलेशिया एम्बेसी में, आप मलेशिया एम्बेसी में जाकर वीजा चेक कराएं। जब एम्बेसी ऑफिसर आपको कह देंगे कि वीजा सही है तो आपको पेमेंट करना है, उससे पहले 1 रुपये आपको नहीं देना है ना एडवांस किसी को भी। ये अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने सुखी परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए आप वीडियो को शेयर करें, और ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपको लाइक ये वीडियो ना हो तो आगे शेयर कर दें, अगर जिसके लाइक हो वो अप्लाई कर सकता है। और मैं बस यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।